नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कई बार क्या होता है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की जो एंट्रा केबल है वो फ़ोन ओपन करने के टाइम कुछ मिस्टेक की वजह से वो टूट जाते हैं या फिर काट जाते हैं। तो ऐसे में हम उस नेटवर्क एंट्रा केबल को दोबारा जोड़ भी लेते हैं लेकिन फ़ोन में नेटवर्क सही से नहीं आते हैं। उस टाइम आपके पास अगर कोई सेम ओके एंट्रा केबल है तो उस एंट्रा केबल को रिप्लेस करके तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर वो सेम एंट्रा केबल नहीं है तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं आप लोगों को आज इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और ये जो मैं आप लोगों को मेथड दिखाने जा रहा हूँ इसमें आप लोगों को ना ही कोई एंट्रा केबल की जरूरत होगी और ना ही कोई स्पेशल चीज़। दोस्तों, ये वर्क करने से पहले मैं आप लोगों को नेटवर्क एंट्रा सप्लाई के बारे में इन शॉर्ट में बता देता हूँ ये सेक्शन किस तरह काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक PAIC है, ठीक है, इस जगह में हमारा एक PAIC है। तो इस PAIC में ही जो नेटवर्क एंट्रा की सिग्नल है वो यहाँ पे इन होते हैं, ठीक है। और ये PAIC नेटवर्क सेक्शन में जहाँ सिग्नल की जरूरत होते हैं वहाँ पे सिग्नल भेजते हैं। दोस्तों, नेटवर्क एंट्रा की जो GSM का लाइनिंग है वो इस PAIC से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से इस स्विच से पास होके GSM की लाइनिंग इस कैपेसिटर की इस साइड में इन होके फिर इस साइड से आउट होके फिर इस रजिस्टर की इस साइड में इन होके फिर इस साइड से आउट होके इस रजिस्टर की इस साइड में इन हुआ है और फिर इससे आउट होके ये जो एंट्रा कनेक्टर में GSM का पॉइंट है यहाँ पे आया है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एंट्रा कनेक्टर है ये हमारा GSM पॉइंट है और ये जो साइड में पॉइंट है दोस्तों ये ग्राउंड, ठीक है। दोस्तों, यही हमारा नेटवर्क एंट्रा सिग्नल की दो पॉइंट, एक GSM और एक ग्राउंड। और इस कनेक्टर में नेटवर्क एंट्रा केबल कनेक्ट होके ये सीधे नीचे जो सबबोर्ड है उसमें कनेक्ट होके नेटवर्क एंट्रा के साथ अटैच होके रहते हैं और फिर मोबाइल में नेटवर्क मिलते हैं। दोस्तों, मैं तो आप लोग यहाँ पे नेटवर्क एंट्रा सप्लाई के बारे में बता दिया और अभी हम देखेंगे अगर हमारा कोई इस तरह नेटवर्क एंट्रा केबल टूट जाते हैं या फिर काट जाते हैं तो इसको किस तरह सॉल्व करना है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को यहाँ से कंप्लीट देखें क्योंकि आप अगर यहाँ पे एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपका नेटवर्क सही से नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस तरह टूटा हुआ नेटवर्क एंट्रा केबल को हम जब जोड़ के वही केबल को लगाते हैं तो उसमें हमारा नेटवर्क सही से नहीं मिलते हैं और हमारे पास कोई नया नेटवर्क एंट्रा केबल भी नहीं रहते हैं। तो इसका ही सोल्यूशन मैं अभी आप लोगों के यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ें ज़रूरत होगी, एक जम्पर वायर और दो पॉलीमाइड हीट रेजिस्टेंट टैप। और दोस्तों, आपका जो जम्पर वायर है वो अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए। दोस्तों, मैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना भूल ही गया, फिलहाल अभी मेरे पास जो ये फ़ोन है ये रेडमी 6 प्रो है और ये जो मैं आप लोगों को मेथड दिखाने जा रहा हूँ ये मेथड सभी एंड्रॉयड फ़ोनों में काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले नेटवर्क एंट्रा और केबल को रिमूव कर लेते हैं। और अभी जहाँ पे नेटवर्क एंट्रा की केबल था उस जगह को इस टैप से कवर अप करेंगे। अभी हम फर्स्ट मेन बोर्ड से सब बोर्ड में GSM पॉइंट को जम्पर करेंगे। दोस्तों, ये जो GSM पॉइंट है इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। इस कनेक्टर में आप लोगों को एक लाइनिंग आता हुआ दिखेगा, वही हमारा GSM पॉइंट है, ठीक है। मैं GSM पॉइंट को रजिस्टर की इस साइड से जम्पर किया, मैं चाहो तो इस पॉइंट से भी जम्पर कर सकता हूँ लेकिन उनमें सोल्डिंग करने से ग्राउंड के साथ वो पॉइंट शॉर्ट हो सकता है। तो जम्पर को हम मेन बोर्ड में GSM पॉइंट के साथ जोड़ लिया और अभी सब बोर्ड में GSM पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जम्पर वायर जितना ज़रूरत है वही यूज़ करें, ना कि ज़्यादा। तो यहाँ पे जितना जम्पर वायर की ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे काट लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमने मेन बोर्ड से सब बोर्ड में GSM पॉइंट को जम्पर वायर से जम्पर कर लिया। अभी जो हमने यहाँ पे GSM पॉइंट को जम्पर किया उसके ऊपर एक टेप लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों, अभी जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है उसको
जम्पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड पॉइंट को हम अगर जम्पर ना करें तो भी नेटवर्क आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, नेटवर्क फ्लैक्चुएट करेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ग्राउंड को भी जम्पर वायर से जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चेक करके देखेंगे। दोस्तों ये सब लगा के हम अभी फ़ोन को चेक करके देखते हैं फ़ोन में नेटवर्क आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है। तो ठीक है, अभी हम फ़ोन को एक बार पूरी तरीके से असेंबली करके फिर चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नेटवर्क फुल आ रहा है। तो इस तरह आप लोग कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन की अगर नेटवर्क एंटेना केबल टूट गया है तो इस मेथड के जरिए आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, इस मेथड को आप तभी यूज़ करें जब आपके पास वो सेम एंटेना केबल ना हो। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी के साथ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।